बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ एक आचार्य प्रशांत जी की जो है ये पुस्तक है संघर्ष अपने विरुद्ध। ये जो पुस्तक है इसको आप चाहे तो ऑनलाइन जो है वो परचेज़ कर सकते हो और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप इस बुक को अगर परचेज़ करना चाह रहे हो या फिर आचार्य जी की जो है वो कोई भी बुक्स आप परचेज़ करना चाह रहे हो तो उसके बारे में जो है वो मैं आपको बता दूँगा। ओके, तो आप देखो ये जो है वो बुक की कंटेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो इसमें आचार्य प्रशांत की जो है वो बारे में लिखा रहता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले उनके बारे में लिखा रहता है, संक्षिप्त जीवनी है उनका अभी तक का। उसके बाद जो है वो अनुक्रमण का यानी कि कंटेंट्स की बात आती है तो क्या क्या कंटेंट्स हैं आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये सभी जो है वो चैप्टर्स हैं और इसको जो है वो डिवाइड किया गया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्शंस में। तो ये जो है वो आप जो है वो इसे ज़रूर देख लें एक बार वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जब लिंक जो मैं आपको दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको चैप्टर्स की लिस्ट दिखाई दे देगी। अब देखो इसमें जो है वो अगर इसकी बात करें कि इसमें जो चैप्टर्स हैं जैसे यहाँ पे जो चैप्टर्स आपको दिखाई दे रही है ये चैप्टर्स कैसे बनते हैं तो ये जो है वो आचार्य प्रशांत जी की जो सत्र होती है सेशंस होती है तो उस सेशंस की बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शंस मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जो उन्होंने कहा है वो वीडियो के माध्यम से आपने जो है उनकी वीडियो सुनी होंगी यूट्यूब पे तो उस वीडियोज़ के जो है वो अगर लिखा जाए तो जो बचता है ना उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये बेसिकली उनका जो है वो वीडियोज़ का ट्रांसक्रिप्शन ही होता है और वही जो है ये छप के बुक के फॉर्म में आता है। तो बोलने समय जो है वो बहुत चीज़ें जो है वो बोलते हैं लेकिन कई बार उसमें जो त्रुटियां होती हैं जो कि लिखी नहीं जा सकती हैं तो उसको हटा दिया जाता है तो पढ़ने में जो है वो और शुद्ध हो के आता है। तो किताबों के साथ एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि आप कोई भी किताब अगर पढ़ रहे हो अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आया तो आप जो है वो वहाँ पर रुक के देख सकते हो, विचार कर सकते हो। लेकिन वीडियोज़ में जो है वो ये चीज़ नहीं है। वीडियोज़ में है कि आप सुन रहे हो और कई बार चीज़ें नहीं समझ में आती है फिर भी जो है वो हम लोग आगे चले जाते हैं तो वो जो है वो बुक्स के साथ नहीं है। बुक्स में अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप एट दैट इंस्टेंट आप रुकोगे और वहाँ पे उसके बारे में जो है वो सोच के भी विचार कर सकते हो। अब इस बुक में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उक्तियों को जो है वो मार्क किया गया हुआ है तो ये सभी चीज़ जैसे उनकी कोटेशंस हो गए तो ये सब कोटेशंस जो है वो आपको इस बुक में मिलेंगी। पहले वाले जो इसके बुक्स आते थे ओके उसमें उक्तियाँ नहीं रहती थी जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ओके। और इनके जो है वो टाइटल्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं जैसे आप देखोगे सपने से उतर जाएंगे, सपने से सारे बेहोशी उतर जाएंगे। तो काफ़ी बुक अच्छी है और युवाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कोई थोड़ी अध्यात्म की राह पे भी अगर जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और अगर आप जो है वो चाहते हो कि किसी को गिफ्ट देना तो उसके लिए भी ये स्टूडेंट्स को गिफ्ट देने के लिए या फिर अपने पेरेंट्स फ्रेंड्स उन सभी पे भी जो है वो गिफ्ट दे सकते हो और काफ़ी अच्छा बुक है। आप जो है वो अगर इसे एक बार खुद भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एनालाइज होगा कि जो हम अपने आप को मान के बैठे हुए हैं या फिर जो हमारा अंधविश्वास है उसको कहीं ना कहीं ये बुक जो है वो तोड़ने की बात करता है। तो इसलिए जो है ये बुक उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी है जो चाहते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा पता चले, कुछ ऐसा पता चले जो उनकी पुरानी मान्यताओं को तोड़े। तो आपको जो है ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। बात करें कि बुक की तो आप इसकी जो है वो सॉफ्ट कॉपी भी पढ़ सकते हो यानी ई बुक भी पढ़ सकते हो। आप आचार्य प्रशांत जी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो ई बुक या फिर आप जो है वो उनकी जो ऐप है तो आप ऐप पे जाओगे और ऐप पे जो है वो आप माई ऑल ई बुक्स के सेक्शन में जो है वो ये संघर्ष सर्च करोगे तो वहाँ पे जो है वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और इसकी डोनेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये जो प्राइस आपको दिखाई दे रही है 280 ओके, तो आचार्य प्रशांत जी की जो संस्था की वेबसाइट है तो उस पर आपको ये कम करके अराउंड 150 के आसपास मिल जाएगी। तो 150 तक आप ये बुक जो है वो परचेज़ कर सकते हो लेकिन आप कोशिश करें कि अगर डोनेट कर रहे हो तो कुछ डोनेट करें ज़्यादा ओके, ताकि संस्था जो कि जो काम कर रही है वो आगे बढ़े क्योंकि ये जो काम आचार्य जी कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे शिक्षा व्यवस्था के में जो जो चीज़ें नहीं हैं उसको ये पढ़ा रहे हैं, वेदांत का जो है वो ये प्रचार कर रहे हैं और वेदांत की जो फिलॉसफी है जो दर्शन है वो जनमानस तक पहुंचना इतना ज़रूरी है ताकि हमारे जो सोचने विचारने की क्षमता है उसमें एक अच्छा जो
व्यक्तित्व निखर के आ सकता है वो वेदांत हमें सिखाता है। तो इसलिए जो है वो वेदांत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी, तो इनके जो मिशन है उसमें आप सहयोग करें ताकि जो इनका काम है वो हम ही लोग के लिए है, जनता के लिए ही है, तो ये और भी अच्छे रफ्तार से आगे बढ़ पाए। तो आप जो है वो इसमें सहयोग जरूर करें जितना संभव हो सके, यथासंभव। और आप जो है वो बुक्स को किसी को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, मैं तो देते ही रहता हूँ, हर महीने एक या दो बुक किसी ना किसी को कोई गिफ्ट दे देता हूँ, खुद किसी के यहाँ ऑनलाइन भी भिजवा देता हूँ, तो ये सब भी जो है वो आप कर सकते हो। सो आई होप कि आपको कुछ बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और कई बार जो है वो फ्रेंड्स की बहुत क्वेरी आती है कि बुक्स जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो COD क्यों नहीं है। तो देखो अभी जो है वो COD नहीं है, आपको ऑनलाइन ही देना पड़ता है, पहले पैसा देना पड़ता है। मैंने जितनी बार भी बुक बनाई मंगाई है, एड्रेस अगर आप सही डालोगे तो एड्रेस पे बुक आ जाती है, ऐसा कोई भी इशू नहीं होता है। और अराउंड 5 to 7 days के भीतर जो है बुक्स आ जाती है, डिपेंडिंग कि आपका जो है वो एड्रेस बहुत रिमोट एरिया में नहीं हो। अगर अर्बन एरिया में है तो आपको बुक्स जल्दी मिल जाती है, अराउंड 3 to 4 days में भी मिल जाती है कभी कभी। लेकिन अगर कई बार रिमोट एरिया में अगर आप ऑर्डर करोगे तो 7 days तक भी लग सकते हैं। तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है वो ज़रूर इसे ऑर्डर करें। एंड कई बार जो है वो कॉम्बो का भी जो है पैक रहता है, मीन्स 3 book या 4 book आपको 400 के अंदर में मिल जाती है, तो वो भी आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हो। अगर आप बहुत ही पैसे बचाना चाहते हो कंसाइज वे में कि मेरे पास पैसे कम हैं, तो आप जो है वो 3 या 4 books जो है वो एक बार में कॉम्बो पैक में मंगा लेना, हो गए, वो भी आप कर सकते हो। तो बुक की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, लाइट वेटेड बुक है, ओके, मीन्स आप इसे अगर सोते हुए भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ओके, काफ़ी उतनी भारी नहीं है, ईजी टू कैरी है, छोटा सा आप देख सकते हो मेरा हाथ जितना बड़ा है, और तो इतनी बड़ी बुक है। तो और जो लिखावट है वो भी काफ़ी अच्छी है, आप वो तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, ओके। सो इन सभी के बारे में भी मैंने बता दिया, और गलतियाँ बहुत कम है, ना के बराबर, तो इसलिए जो है वो आप इसे ज़रूर पढ़ें। और जो भी लोगों को जितने लोगों तक आप ये बात पहुंचा सकते हैं उन्हें ज़रूर पहुंचाएं। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे, बाय।